Bismillah ar-Rahman ar-Raheem. Assalamu alaikum. Welcome back KG class to the maths lesson. And today we have unit number 2, lesson number 1 for my kindergarten class. So dear class, I hope that you have learned uh, a lot from the first lesson. Humne pehle kya kiya tha? Isse pehle lesson mein humne jo kiya tha, usko abhi hum recall karenge. To jaldi jaldi se apni memory ko fresh kar lijiye. And meanwhile, I hope that the teachers are updated with the lesson plan, the PowerPoint presentation. and they have clicked at the 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 description box to get the worksheet for the extra activity as well. so I hope everybody is prepared now. recall तो जवाब देना है किसको याद है कि हमने कौन सा ई एल ओ किया था हमने जो ई एल ओ किया था उसका नाम था रिक्नाइज तो हमने बहुत सारे कलर्स के बारे में बात की थी कौन से कलर्स की बात की थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपको प्राइमरी कलर्स की पोएम्स याद हैं जो आपने प्ले ग्रुप में और नर्सरी में की थी तो डी टीचर्स ये पोए कर लीजिए और ये पोएन के साथ सिंह कर लीजिए रेड इज अस्टॉप साइन रेड इज अज एन एपल एंड ब्लू इज द्लू इज द स्का Blue are the blueberries I put into pie. Yellow is the star. Yellow is the sun. Yellow is the moon when the day is done. So once we are back after singing the poem with actions, so I hope my dear children, ab aap mein full energy bhi hogi aur ab aap mere answers ka jali se uh, jo hai, uh, questions ka jali se answer bhi de denge. So let's see what do I, what am I going to ask you for the warm up activity. I am going to ask you, can you can you name these colours? So, do you know what color are these? The screen this is red, blue, and when we mix these colors together, we get purple. Shabash! Then we mix yellow and blue, and we get green. And when we mix red and yellow, we get orange. So these are our primary colours. एंड दीज आर आवर सेकेंडरी कलर्स जिन जिनको इनके नाम याद हो गए और स्पेशली स्पेलिंग्स याद हो गई उनके लिए शाबाश तो दिए टीचर क्लासरूम में फ्लैश कार्ड्स के डिस्प्ले पे इन अल्फाज को अपनी वोकेबलरी का हिस्सा बनाइए और डेली बहाने बहाने से किसी टाइम पे आप इनको रैंडमली पूछें कि ये कौन सा कलर है और इसके कौन से स्पेलिंग है ताकि उनकी रिकगनीशन स्ट्रॉग हो सके तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है अगर हमने प्राइमरी कलर्स भी डिस्कस कर लिए सेकेंडरी कलर्स भी डिस्कस करिए लेकिन आज हमारा ई तो वही है

और सेकेंडरी कलर के नामों के स्पेलिंग्स की सो हाउ डू वी स्पेल रेड ए रेड ब्लू ब लू एंड देन येलो शाबाश जिनको स्पेलिंग्स याद है वेरी वेल एंड देन लेट्स गो टू सेकेंडरी कलर्स सेकेंडरी कलर्स में हमने क्या किया था ऑरेंज पर्पल

और एक सेकेंडरी कलर और जब हम उनको मिक्स करते हैं तो जो थर्ड कलर बनता है उसको कहते हैं टर्शरी कलर और आज हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि हम टर्शरी कलर्स कैसे बनाते हैं और कौन से कलर जब हम दोनों मिक्स करते हैं तो उस नए कलर का क्या नाम होता है तो जरा स्क्रीन पर गौर से देखिए आपको एक बड़ा कलरफुल सा पोस्टर नज़र आ रहा होगा और टीचर्स आपने इसी तरह का एक पोस्टर अपने क्लासरूम में भी डिस्प्ले करना है इस पोस्टर में आपको नजर आ रहे हैं प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स के कॉम्बिनेशन के बाद टर्शरी कलर्स तो ज़रा गौर से देखिए दिस इज रेड जब आप रेड को ऑरेंज से मिक्स करेंगे तो रेड ऑरेंज बनेगा तो बच्चों इन कलर्स के अपने नाम भी हैं बट दे आर लिटिल डिफिकल्ट वो आपको बड़ी क्लासेस में हम सिखाएंगे लेकिन अभी आपने पहचान करनी है कि येलो एंड ऑरेंज जब यू मिक्स इट टुगेदर इट मेक्स येलो ऑरेंज तो हम दोनों कलर्स के नाम इकट्ठे बोलते हैं येलो एंड ग्रीन मेक्स येलो ग्रीन blue and green makes blue-green blue and purple makes blue-purple and red and purple makes red and purple so now the, there are six tertiary colors there are six tertiary colors how many six tertiary colors So teachers as a poster colorful sabaraki क्लासरूम में डिस्प्ले करें ताकि बच्चों को उनकी रिकग्निशन हो सके और स्पेशली जब आप कोई हंट करवा रहे हो कलर का अगर आप पर्पल कलर सर्च करवा रहे हैं या पर्पल रेड कलर सर्च करवा रहे हैं तो उनका जो है वो क्लासमेट पोस्टर का डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे उसके साथ कलर कोड को मैच कर सके सो लेट सी डू आई नेक्स्ट फॉर यू हैव टू डू पेज नंबर टू ऑफ बुक पेज नंबर टू के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर टू के ऊपर जिसमें आपने टर्शरी कलर्स को कलर करना है लेकिन उससे पहले आपने प्राइमरी कलर्स कलर करने हैं सेकेंडरी कलर्स कलर करने हैं और उसके बाद टर्शरी कलर्स करने हैं और उसी ऑर्डर में जो कि सर्कल के अंदर नाम लिखा हुआ है तो अब टाइम हुआ है बच्चों आपके इंडिविजुअल वर्क का सो अपनी कलर पेंसिल्स को अपने करीब कर लीजिए बुक के पेज को ओपन करके रेडी कर लें और जो जो आपको रिक्वायर्ड चीजें हैं वो अपनी टेबल पर रेडी कर लेट्स हैव अ लुक एट द पार्ट का नाम उसकी जगह पे लिखा हुआ है तो आप इसी ऑर्डर में कलर करेंगे so, teachers, इस वीडियो को ये काफी लंबी कल इसमें बच्चों को कुछ टाइम लगेगा इनको तकर से आठ मिनट लगेंगे हो सकता है बच्चे आठ से दस मिनट ले लें no problem let them do it and explore these new tertiary colors and i will be back with some more exciting activity तो बच्चे जब आपने कलर व्हील को कलर कर लिया तो आपने देखा जो आपने कॉम्बिनेशन कलर का बनाया रेड एंड पर्पल का या ऑरेंज एंड येलो का तो उससे जो रंग बना वो कितना डिफरेंट था याद रखिए टर्शरी कलर को जब आप किसी अगर ऑरेंज रेड आपने बनाया आप ऑरेंज के पास रखेंगे तो वो आपको रेडिश लगेगा लेकिन जब रेड के पास रखेंगे तो ये ऑरेंजिश लगेगा सो दिस इज़ वाई दिस इज़ हाउ वी मेक टर्शरी कलर्स और हमारे आस पास मौजूद माहौल में बच्चों जितने भी कलर्स हैं वो इसी तरह ही प्राइमरी सेकेंडरी और समटाइम्स टर्शरी कलर्स को मिक्स करके भी हम नए कलर्स बनाते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको पता हो ये रंग कैसे बनते हैं और ये रंग किस तरह हमारे आस पास हमारे माहौल में मौजूद है कॉपी पे काम करने के बाद बुक पे टास्क करने के बाद अब आपका टाइम हुआ है होमवर्क समझने का तो होमवर्क के लिए जल्दी से रेडी हो जाएं क्योंकि आज आपने इतनी प्यारी कलरिंग की है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी वेरी कलरफुल बुक्स तो आपका होमवर्क क्या है जी बुक के पेज के ऊपर है यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन आइडेंटिफाई टर्शरी कलर ऑब्जेक्ट्स एट होम और इन योर सराउंडिंग्स तो आज आपका होमवर्क क्या है आपने स्कूल से घर जाते हुए रास्ते में अगर आपको कोई टर्शरी कलर की चीज लगे तो आपने वो आइडेंटिफाई करनी है और स्पेशली घर जाकर आपने कुछ ना कुछ टर्शी कलर के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना ढूंढना और मामा को भी बताना है कि आज हमने टर्शरी कलर सीखे हैं जो कैसे बनते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को जब हम मिक्स करते हैं टू वी गेट अ थर्ड कलर दैट इज कॉल्ड टर्शरी कलर और फिर उनको डिफरेंट टर्शरी कलर्स के नाम भी बताएं सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज़ आवर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट आपको पता है मैं एक्स्ट्रा का टास्क आपको देती हूँ ये समझने के लिए कि मेरे बच्चों को ये लोगों को कितनी समझ आई है और कॉन्सेप्ट कितना उन्होंने गेन किया है तो आज आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में है एक वर्कशीट जिसमें दिया हुआ है मैंने आपको एक प्यारा सा कलर व्हील इसको गौर से देखिए यू हैव टू कम्प्लीट दिस कलर व्हील बाई डूइंग सेकेंडरी कलर्स हीयर एंड देन प्राइमरी कलर्स हीयर टीचर आपको एक्सप्लेन भी कर देंगी जब वो आपको वर्कशीट देंगी जब आप इसको कलर कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जी ये आपका जब कलर फिल अप हो जाएगा तो ये ऐसा लगेगा यानी आपके प्राइमरी और टर्सरी और सेकेंडरी कलर सब जो है वो आस पास जाएंगे सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड एंड एक्साइटिंग एक्टिविटी फॉर यू आई होप सो एंड यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन यस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर्स तो ये तीनों जो हमने ई एलो में हमने डिस्कस किए थे हमारा ई एलो क्या कह रहा था बच्चों

आपने कुछ वाटर पेंट्स लेने हैं या पोस्टर पेंट्स लेने हैं और उनको मिक्स करके खुद आपने टर्शरी कलर्स बनाने हैं ये एक्टिविटी आप करेंगे मेरे जाने के बाद यानी लेसन के बाद टीचर्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगी टीचर्स आर गोइंग टू गिव यू सम पेन अ चार्ट पेपर और वाइट पेपर कप एंड सम वाटर और आप बिल्कुल इस तरह अपनी मर्जी से डिफरेंट टर्शरी कलर्स को आज खुद से बनाएंगे दिस प्रोसेस इज गोइल मैसी लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप जितना ज्यादा जा, जो है वो जगह को अपने साफ रखें और एक्टिविटी के बाद अपने सारी चीजों को उनकी जगह पे वापस रखें सो थैंक यू वेरी मच आई होप लेन ये स्क्रीन पे आपके सामने दोबारा सेटर्शी कलर्स की एक लिस्ट आ गई है टीचर्स आप चाहें तो इनको स्क्रीन पे पॉज रख सकते हैं मीन वाइल जब तक बच्चे वो एक्टिविटी करे हैं एंड आई होप दैट दी गोइंग टू बी फन so thank you very much for being with me today i hope that the lesson was fun and you are able now to identify between primary secondary and tertiary colors so take care enjoy the activity and allah hafiz